और चलिए हमारा खास कार्यक्रम देखिए वोटर बाबू। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वोटर बाबू में, जिसमें हम बस में चढ़ते हैं, जनता की राय जानते हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है और किसको वो इस बार वोट देने वाले हैं और माहौल आखिरकार किसका है। बस में इसलिए क्योंकि यात्री आराम से बैठे हैं, चर्चा के मूड में हैं और बातचीत वो करते रहेंगे। पांचवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी के बाद जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है वो कैसरगंज गोंडा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है, उनका टिकट कट गया है और नाराजगी भी उनमें नजर जरूर आई थी। तो इस वक्त हम गोंडा, बहराइच और कैसरगंज की सीट जो बस है उसमें पहुंच चुके हैं और यहां की जनता से बात करेंगे, ये लोग सब वहीं के यात्री हैं, कि इनके यहां पे माहौल आखिरकार क्या है। कुछ लोग हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। दादा, क्या नाम हो गया आपका? शिव कुमार निगम। कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं नवाबगंज। नवाबगंज यानी कि गोंडा? गोंडा, जिला गोंडा। गोंडा में चुनाव होना है 20 तारीख को। हाँ, होना है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी तैयारी। तो डालने जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। माहौल किसका है? माहौल भैया हमारे नाम नेताजी का है। कौन? नेताजी ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह का माहौल है? हाँ। अच्छा, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उनका क्या माहौल? वो तो उनका भी अच्छा है और राम लगनी के रहने वाले हैं। टक्कर वक्कर नजर आ रही है कि एक तरफा होगा? ना, एक तरफा नहीं होगा। नहीं, आप भी कुछ बता दीजिए। फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है और राशन लोगों को दिया जा रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिला उत्थान की बात होती है, आपके ऊपर फर्क पड़ता है उस चीज़? फर्क पड़ता है, वो तो मोदी करते हैं सभी हम लोग के लिए हर चीज। हाँ, वही। आपको किसी योजना का लाभ मिला है? हाँ। कौन सी योजना का? अरे एक मिनट, कॉलोनी मिली है। सिलेंडर मिला, राशन राशन कॉलोनी मिली है। आपको लगता है कॉलोनी मिली है तो इसमें आप संतुष्ट हैं और आप आगे? बिल्कुल खुश है। चलिए, और भी लोग हैं। कंडक्टर साहब, अभी आपसे बात कर लें, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम हो गया? गोंडा के रहने वाले। गोंडा के रहने वाले हैं, तो आपके क्षेत्र में भी चुनाव होने जा रहा है, वोट डालने पहुँचेंगे? हाँ, 20 तारीख को। हाँ, पहुँचेंगे। माहौल क्या क्या है? माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है? माहौल सबका, अब की बार सबका बराबर लग रहा है। टक्कर है क्या? टक्कर। जो बीच में नाराजगी हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा जाता है, हम लोग मेहनौन विधानसभा में है, ब्रजभूषण सिंह इनके बारे में तो जानते तो होंगे, क्या माहौल है उनका? उनका भी संभल गया, जो कुछ था सब सही चल रहा है। सही चल रहा है तो टिकट खटाखट काट रहे हैं आप? राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं खटाखट खटाखट अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो टिकट खटाखट? राहुल पर कोई भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है? तो देखिए, कंडक्टर साहब है, कह रहे राहुल पे भरोसा नहीं है, हम तो खटाखट टिकट अपना काट रहे हैं। कहाँ से है भाई साहब? कटरा बाजार से। कटरा बाजार विधानसभा हमारी लगती है। कटरा बाजार कहाँ पे लगती है? कैसरगंज क्षेत्र में ही आता है, संसदीय क्षेत्र में कटरा बाजार विधानसभा। कैसरगंज तो बड़ा हॉट सीट है, इस बार मामला टाइट है। हम कटरा बाजार विधानसभा के ही रहने वाले हैं, मेन कटरा बाजार के ही रहने वाले हैं। माहौल किसका है वहाँ? माहौल वहाँ टक्कर की लड़ाई है और वैसे सीट तो निकलेगी लास्ट में फाइनल बीजेपी की ही। हम नेताजी की सीट निकलेगी ये नहीं कह रहे हैं, बीजेपी की सीट निकलेगी। मतलब इंडिविजुअल प्रत्याशी के नाम पे वोट आदमी नहीं दे रहा है? नो, इंडिविजुअल पर अगर इतना ही गट्स होता तो जब इतना दिन से टिकट नहीं पाए थे नेताजी अपने, तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते। अगर इतना भरोसा और अपने आप पर इतना दबदबा मानते तो क्यों जो है आत्मसम्मान की लड़ाई है क्या इस बार? आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं है, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पार्टी भी दबाव में है, केंद्र और राज्य की लड़ाई में फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा हो रहा है और सीट निकलेगी बीजेपी की ही लास्ट में और लड़ाई टक्कर की है। कुछ आप वोट देने जाएंगे तो कि निशान पे जाएंगे, प्रधानमंत्री के नाम पे जाएंगे कि करण भूषण के नाम पे जाएंगे? नहीं, हम प्रधानमंत्री के नाम पर जाएंगे। हाँ, पार्टी के नाम पर, पार्टी के नाम पे वोट पार्टी के नाम पर पड़ेगा, नेताजी के ऊपर पर्सनल नहीं पड़ेगा। अगर बाय चांस कैंडिडेट कोई दूसरा होता तो भी बीजेपी का ही कैंडिडेट हमारा वोट पाता। लेकिन वो तो कहते हैं दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, उनको वो मानते हैं कि हमारा ही सब कुछ यहाँ है। वो अपना है, चूंकि पिछले 30 साल से सांसद हैं और ब्राह्मण समाज का अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण का वोट ज्यादा है, लेकिन ब्राह्मण समाज को वो महत्व नहीं दिया। अच्छा। इन स्थानीय नेताओं ने जो पार्टी देना चाह रही है। हमारे कटरा बाजार की अगर बात की जाए तो हमारे कटरा नगर पंचायत है, हमारे वहाँ अर्जुन तिवारी जी हैं हमारे लोगों के नेता, उनको पार्टी ने टिकट दिया नगर पंचायत का, लेकिन
इन्हीं नेताजी के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा उनको वो सपोर्ट नहीं मिला और इस लहर में भी वो सीट नहीं निकाल पाए। विशेष जाति की नाराजगी है वहाँ पर, इनका कहना है नाराजगी है और कमल के निशान पर वोट मिलेगा अगर मिलेगा वहाँ पे बीजेपी को, इंडिविजुअल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सारे मुसलमान लुढ़क जाएंगे। योजनाओं का लाभ वो कहते हैं कि मुस्लिम लेते हैं, आपको लगता है आपने योजनाओं का लाभ लिया? मैं मानता हूँ जी, मैं मानता हूँ मुझे स्वयं नहीं मिला है, मैं चंडीगढ़ से चल के आ रहा हूँ वोट देने के लिए। और जी बिल्कुल, मैं इस लोकतांत्रिक देश में वोट का सम्मान करता हूँ इसलिए मैं चल के आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिला, कुछ तो दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं विकास नहीं हुआ तो ये नाइंसाफी होगी, विकास तो हुआ है। लेकिन अगर हम कैसरगंज लोकसभा की बात करें, बिजभूषण जी की बात करें, हम जब से पैदा हुए हैं अब तक उनके लड़के को टिकट मिल गया, हमारे लोगों के हालात तो ऐसे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, मुस्लिम हो। हमारे कटरा विधानसभा, कैसरगंज विधानसभा, पयागपुर विधानसभा और तरफगंज विधानसभा, पाँच लोकसभा मिला के एक लोकसभा क्षेत्र है, पाँच विधानसभा मिला के। लेकिन उसमें दो जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें ब्राह्मण ज्यादा हैं और दोनों के हालात वैसे के वैसे ही। देखिए, देश के ये युवा हैं, नागरिक जागरूक हैं बहुत ज्यादा, चंडीगढ़ से आ रहे हैं 20 तारीख को वोट डालने के लिए और कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा, कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, छत्री ठाकुर हो, ओबीसी मुस्लिम हो, सबके हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है। लंबे समय से दबदबा तो रहा है लेकिन दबदबा ने उस तरीके से काम नहीं किया। आप कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं। अच्छा, बेंगलुरु कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस से रहने वाले हैं। बनारस, वहाँ तो प्रधानमंत्री जी का जलवा है। जलवा तो उनका बुरा है, उनका बुरा जलवा है। ऐसे भी मोदी जी का टक्कर कोई नहीं है, कोई होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, तो नहीं होगा। ये बात तो सही है, बगल वाले भाई तारीफ भी कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, विदेश में भी इनका नाम है। मोदी के सामने भक्ति नहीं बोल रही है सर जी इनकी इनकी ये भक्ति बोल रही है। नहीं, बनारस को क्योटो बनाने की बात मैं, बनेगा क्योटो, बनेगा जरूर बनेगा। वो इंडिया के लिए काम नहीं करते, विदेश में भी इनका अच्छा खासा नाम है। वो सारे फील्ड में वो फोकस करते हैं, एक ही चीज में फोकस नहीं करते। वो विश्व गुरु है। हाँ, विश्व गुरु है वो केवल बनारस को ही नहीं देख रहे हैं। हाँ, वो सब जगह देखते रहते हैं। नाम तो किया है जी, मोदी जी का चर्चा तो हुआ है विदेश। क्या नाम है भैया? पिंटू कुमार सिंह। बिंदु पिंटू कुमार सिंह। पिंटू तो पिंटू जी हैं और ये भाई हैं साथ में। एक लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में कह रहे हैं कि माहौल इनका ठीक बना हुआ है। आपका? मेरा नाम प्रशांत पांडे है। माहौल ठीक है। किसका? असल में कैसरगंज लोकसभा में जात आधारित ये हो रहा है चुनाव। जाति के आधार पर चुनाव आपको लग रहा है कैसरगंज में हो रहा है? क्षत्रिय वर्ग एक बटा हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा तरह तरह के कमेंट किया जाता है कि अगर ब्राह्मण वर्ग जीत गया तो क्षत्रियों का यही हो जाएगा, अगर क्षत्रिय वर्ग जीत गया तो ब्राह्मण का ये हो जाएगा। ये तो गलत बात है, इस पर चुनाव होना तो नहीं चाहिए लोकसभा चुनाव। हाँ, तो वही हमारे और वहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है। देखिए, युवा है, एक अच्छी बात कही कि कैसरगंज, हालांकि सभी पार्टियां कहती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन कैसरगंज में जाति आधारित चुनाव है, ये युवा का कहना है। और कुछ लोगों ने और भी ये बात कही है कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय वहाँ पर हो जा रहा है क्या। भाई साहब, क्या नाम है? सुनील द्विवेदी। सुनील नाम है, कहाँ से हैं? कैसरगंज से ही है। कैसरगंज से। तो द्विवेदी जी, ये बताइए, ये लोग जो बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणों गाँव है, जो ब्राह्मण है वहाँ, वो नाराज नजर आ रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से, तो वोट ना दे। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं खुद नाराज हूँ। आप नाराज हैं? क्या हुआ ये बताइए, कुछ मुद्दा बताइए ऐसा कि आपको लगता है कि ये गलत हुआ हम लोगों के साथ। मिल जाएगा टिकट? मिलेगा टिकट? मिलेगा टिकट तो मिलेगा। अब ये कोई सांसद का टिकट थोड़ी है। वाह गुरु, सांसद जी के घर से नहीं है जो हमें नहीं मिल पाएगा। बस का टिकट आपको जरूर मिलेगा। आप बताइए माहौल क्या है उधर ब्राह्मणों का? हम तो ज्यादातर ब्राह्मणों को यही देख रहे हैं कि सफाई हो रहे हैं इस बार। खुद भाजपा ही था अब तक था, लेकिन इस बार में सपा को ठीक करूं। तो कोई दर्द है अंदर जो आप हमसे बयां करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आपको हम बार बार जिता भी रहे हैं और हम लोग गाली भी सुन रहे हैं। अच्छा जी, डांट भी सुन रहे हैं कि। अच्छा, कितनी आबादी है कैसरगंज में ब्राह्मणों की, लगभग कितने प्रतिशत होंगे? कुछ आइडिया है? हाँ, करीब 40% है। 40% है? और 40% जिस तरफ चला जाएगा उसका काम बन जाएगा। अभी हम 100% तो ये नहीं कह रहे कि 40 चले जाएंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उसमें से 25-30 जरूर जाएंगे। हाँ, ये मानता हूँ। तो नुकसान इसका मतलब लड़ाई जो कह रहे हैं कि दबदबा है, एक तरफा है, तो एक तरफा है नहीं मामला। दबदबा का ही विरोध है। दबदबा, दादागिरी, दबदबा मतलब दादागिरी। अरे भाई, आप राजनेता हैं तो राजनेताओं जैसी बात कर रहे हैं, दबदबा गुंडाओं जैसी बात क्यों कर रहे हैं भाई? बात सही कह रहे हैं।
पहलवान रहे, पहलवानी रही, तो पहलवान कहते हैं कि दबदबा है, तो राजनीति अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये अलग चीज है, तो बड़ी बड़ी गंभीर बातें की है इन्होंने कि राजनीति अलग चीज है और दबदबागिरी और दादागिरी अलग चीज है, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनेताओं की तरह बात करिए और सबका सम्मान करिए। भैया आप कहाँ से हैं? कटरा बाजार से। वहीं से सब लोग एक साथ वहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? अभी तो हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से आप भी आ रहे हैं, भैया साथ में? हाँ। तो आप भी वोट डालने चंडीगढ़ से जा रहे हैं अपने यहाँ। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। सोनू, सोनू साहब बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि कुछ इसमें विरोधाभास है? देखो ये हम तो ज्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं है, हमारा बिजनेस थोड़ा अलग है, अपना गाड़ी गुड़ी का बिजनेस, ट्रक चलाने का। अच्छा। तो हमारे लिए क्या नाम मोदी ने तो ठीक ही किया जो किया है, मतलब धंधा पानी आपका ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। ज्यादा नेतागिरी से मतलब नहीं, अपना काम चलता रहे। हाँ, जो पूरे इंडिया में रोड बन गए हैं, टोल का खर्चा जरूर पड़ गया लेकिन रोड बेहतरीन हो गए, रोड बढ़िया हो गए। हाँ, यही आप देख लो कि गोंडा जाते थे क्या रोड था पहले, और आज के टाइम में देखो 4 लाइन जाती है हर गांव को। अच्छा, तो ये जो आप ये तो बता रहे हैं रोड बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा आता है वो करते हैं, प्रत्याशी की अगर बात करें तो क्या प्रत्याशी के नाम पर वोट पड़ता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ता है? प्रत्याशी के नाम पर भी पड़ जाता है, प्रधानमंत्री के भी पड़ जाता है कई बार। हाँ, ये लोग तो सब नाराज है उनसे। नहीं नहीं ठीक है, मोदी ने काम तो ठीक किए हैं, यानी कि उनको जो भी वोट मिलेगा, जो भी फायदा होगा वो मोदी के नाम पे होगा। हाँ, पर्सनल लोग खुश नहीं है ना, और जातिवाद पे वोट में हम देते नहीं है, जो काम किया है उसको वोट देंगे। ये अच्छी बात इन्होंने की कि जातिवाद पे ये वोट नहीं करते हैं, जो काम करता है उसके नाम पे वोट करते हैं। कंडक्टर साहब थोड़ा सा टिकट काट रहे हैं खटाखट, इनका कहना है। भाई साहब क्या नाम है? सौरभ। कहाँ से है? बलरामपुर से। बलरामपुर से, क्या माहौल है आपके यहाँ? बीजेपी का है। बीजेपी का? बीजेपी। युवा है, यूथ है आप, सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो चलते हैं, चाहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के हो, योगी जी के हो, किसी के भी हो, क्या वीडियो से आप लोगों के दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया से? बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि मोदी होगी मुद्दों पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो वो ज़्यादा अहम है कि अन्य बातों पर ज़्यादा अहम? मुद्दों पर लड़ा जाए। तो आपको लगता है कि माहौल 400 पार वाला नज़र आ रहा है क्या? लगता रहा है, दिख रहा है। आपका क्या नाम है? अंजुम।